पंजाब से राघवीर सिंह जी, स्वागत है आपका नमस्कार मैडम, जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। आदाब। पता नहीं आवाज़ हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहूँगा कि आवाज़ कम आ रही है, हो सकता है आपने कम कर रखी हो। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जी जी आदाब। गुरु जी, ऐसे है कि मैं लीवर फैटी है मेरा, तो मैं ले रहा हूँ अपना पी केयर कैप्सूल, तो साथ में ले रहा था जैतून का सिरका। हूं मैं बनाया अपना, मेरा कैटरोल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हूं मैं बनाया जूस अपना, उहदा लसन दा, नींबू दा, ते अदकर दा, ते जैतून दा सिरका विच पाया, उहदा ठीक अद्धा ठीक अद्धा लीटर बनाया, ते इहदे नाल मैं कैप्सूल भी लै सकना। अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी बेटा? अभी ना मेरे माड़ी माड़ी कदी कदी पीन पेन होंदी है, पेन लीवर की जगह थोड़ी थोड़ी पेन होंदी है, बाकी कैटरोल च फर्क है। ठीक। और देखिए, चर्बी का इस्तेमाल ना करें, जितना चर्बी का कम इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर एनिमल फैट, इतनी जल्दी ठीक होंगे। और ये पेट ठीक रहना ज़रूरी है, पेट आपका बिल्कुल सही रहे, यानी कब्ज़ ना हो, चाहे 2 बार लेटिन जाना पड़े, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने लगा, ये बहुत अच्छा है और अच्छी अलामत है, आप लगातार लेते रहें। और जो इलाज करना हो कर सकते, लेकिन आपको फ़ायदा शुरू हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कोई इलाज रोक दें, अपने डॉक्टर की बात ना माने, बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन इसको छोड़े नहीं, ये बात आपसे ज़रूर कहूँगा। आने वाले 2-3 महीने में आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी, रांची से हैं विपिन गिरी जी, स्वागत है आपका हेलो मैडम, जी। विपिन जी बताइए, सवाल कर लीजिए, मैं हाकिम साहब से बात करना चाहता बात हूँ। कीजिए। जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। रांची से हैं विपिन गिरी जी, स्वागत है टीवी आपका। का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। हाँ प्रणाम मैडम। ठीक है, आप सवाल करिए आदा सीधा प्रणाम मैम। जी। सर, हाकिम साहब आदाब। आदाब। आप टीवी से ना सुने प्लीज, आप हमसे डायरेक्ट बात कर लीजिए फोन पर। हमने जैतून का सिरका मंगाया है। मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ और बीपी भी है। ठीक, जी ठीक है। हेलो। आपका सवाल पूरा हो गया। हाँ, जैतून का सिरका मंगाया है। मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ ठीक है। और बीपी भी है मुझे, और पेट भी ठीक नहीं रहता है, तो इसको कैसे खाना है? और दूसरी बात, मेरा पैर बहुत झिनझिनाता है, उसके लिए क्या करूँ? ये दो सवाल है। ठीक है, पहले मैं जवाब दे दूँ। इससे पहली कॉल जो आई थी उसका मैंने अधूरा जवाब दे सका। उन्होंने पूछा था पी केयर भी ले सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब है पी केयर ले सकते हैं। इससे पहले जो कॉल आई थी जिनको लीवर में प्रॉब्लम थी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया, वो मंगाया है। ये 3-3 चम्मच 2 बार पीना है जैतून का सिरका, और ये दोनों रोग के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। कुदरती एक चीज़ है, असली लिया है तो बहुत अच्छा है, इसमें नकली बहुत आ रहे हैं। 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर या सब्जी सालन में मिलाकर भी लिया जा सकता है। आप इन्हें लीजिए और आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, और आपके दर्द का सवाल, दर्द है तो गौन स्याह असली लीजिए, आधा आधा ग्राम 2 टाइम खाइए। खाने के बाद इस सिरके के साथ भी ले सकते हैं। असली गौन स्याह आधा आधा ग्राम खाने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं मंजू, स्वागत है आपका। जी मैम, प्रणाम। प्रणाम, बताइए, सवाल कर लीजिए। कह रहा है जैसे मैं सो के उठती हूँ तो मेरे कमर से नीचे पैर में इतना दर्द होता है, सोने में भी होता है, लेकिन काम करती हूँ तो दर्द नहीं रहता है, लेकिन ये सो नहीं पाती। दर्द आपको कब से है? 5-6 साल हो गया। आपकी उम्र क्या है? 40 साल। अच्छा देखो, ये दर्द ऐसा होता है कि आदमी कि कमर में नसें दबी होती हैं, लेटने के समय वो और दब जाती है, और वो खून सप्लाई वाली रग जिसे साइटिक नर्व कहते हैं,
वो दब जाती है अक्सर, और इससे दर्द किसी के एक पैर में, किसी के दोनों पैरों में, कभी कमर में, कभी घुटनों में, कभी कूल्हों में। तो एक तो आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, ये कुर्सी वाला शौचालय अनिवार्य है, नहीं तो आपको बहुत आसानी से फ़ायदा नहीं होगा अगर वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो। फिर एक जो मैं गौंद का जिक्र करता हूँ, गौंद स्याह, एक काला गौंद को कहते हैं, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, लेकिन असली मिलना बड़ा ज़रूरी है। मेरे नाम पर कहीं ठगा ना जाएं आप, वो गौंद स्याह की जगह लोग एलवा दे देते या ढाक का गौंद दे देते, ये अलग गौंद है, असली ले, बहुत लोग नकली बेच रहे हैं। 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो देखिए बहुत पुराना दर्द है, असली लेने की कोशिश करें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाएं। 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, 1 ग्राम इतने में आ जाता है, ये एक दिन की का इलाज है, 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है, थोड़ा सब्र करना। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आप अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। जी निरंजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार, आदाब। और डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारी मिसेज को तकलीफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको बीपी है, ठीक है, और शुगर भी है, ठीक है, और एक बैक पेन होता है, और इसमें एक जो एक तलवा होता है, तलवों में जलन होती है, और ये पिंडली है, पिंडली में भी बहुत पेन होता है, एक पिंडली में। उम्र क्या है उनकी? उम्र 55। ठीक है। अच्छा, दोनों इलाज एक साथ करना चाहेंगे या एक एक करके करना चाहेंगे? बता देता हूँ आपको, जो आसानी हो कर ले। देखिए, बीपी और शुगर का दुश्मन है जैतून का सिरका। अगर 2 बार 3-3 चम्मच या 2-2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी मिला के खाने के बाद लिए जाए तो इन दोनों को, बल्कि और कई बीमारियों को, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल का कोई मसला हो, और शुगर को कंट्रोल करने की, लीवर को फ़ायदा पहुंचाने की बड़ी ताकत है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपके इन 2-3 बीमारियों के लिए, और ये जलन होती है, इसके लिए आता है गौंद स्याह, काला गौंद, लेकिन असली लेना ज़रूरी है, ये नकली भी मिलता है, जैतून का सिरका भी नकली मिल जाता है, बहुत लोगों ने बना रखे हैं, असली लें। और गौंद स्याह आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद, और ये लेना शुरू करें, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, तो दोनों रोग को फायदा होना मुमकिन है। जी हरवंशी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरे को 20-25 साल से थायराइड की शिकायत है, और यूरिक एसिड, और रात को मेरे यूरिक एसिड और थायराइड, और मेरे को रात को नींद बिल्कुल नहीं आती है, 35 साल की बात है अपनी बात की। आपकी उम्र क्या है? उम्र मैडम मेरी 60 साल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो भी दवाएं आपकी चल रही हैं वो आप यूज़ करते रहें, इस्तेमाल करते रहें, उन्हें रोके नहीं। एक नुस्खा मेरा बताया हुआ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और फिर 2 महीने बाद देखें। अभी आप थायराइड का टेस्ट कराएं, और फिर 2 महीने बाद कराएं, आपको उसमें फ़र्क लगे तो 7-8 महीने कर लेना ये नुस्खा, और धीरे धीरे डॉक्टर आपकी जो दवा है, क्योंकि बहुत पुराने मरीज़ हैं आप, 20 साल हो गए, तो धीरे धीरे आप अपनी रिपोर्ट खुद देखना और अपने डॉक्टर को दिखाना अगले 2 महीनों की। तो अगर आपको लगे कि आपका थायराइड कम होने लगा है तो उस पर नज़र रखें, और डॉक्टर आपकी थायराइड की गोली धीरे धीरे कम करता जाएगा, और धीरे धीरे वो छूट जानी चाहिए, लेकिन इस काम में 7-8 महीने लग सकते हैं, 2 महीने आप ज़रूर देखें। देखिए, धनिया लीजिए 300 ग्राम, धनिया तो सभी जानते हैं, धनिया का दाना 300 ग्राम, और
अलसी और सॉरी धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम और आंवला सूखा मिलता है वो 100 ग्राम, ये इसमें गौंद मोरिंगा 100 ग्राम सफ़ेद, ये असली चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं नकली नहीं होती हैं, लेकिन ये असली चाहिए गौंद सफ़ेद गौंद मोरिंगा 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच रोज़ाना खा लिया करें सुबह, वो गोली जो खाते हैं आप उसके साथ, और एक चम्मच शाम को भी लें पानी के साथ, और गर्म पानी पिए तो बहुत फ़ायदा, फिर आप 2 महीने बाद अपनी दोबारा रिपोर्ट कराएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको विश्वास भी हो जाएगा कि आपका थायराइड आपसे जा सकता है जी। और जो इन्हें नींद नहीं आती हकीम साहब, और नींद के लिए आप वैसे तो थायराइड का इलाज करेंगे तो नींद आनी चाहिए, ये बड़ा सुकून वाला इलाज है, लेकिन अगर नींद नहीं आती है तो जैतून का सिरका रात के समय सोते में 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी मिला के पी लिया करें, अच्छी सुकून वाली नींद अगर आपको चाहिए तो जी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ बादल सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, मेरी बात ध्यान से सुनना जी, 3-4 सवाल है मेरी। बोलिए। एक तो मेरे फूड प्वाइजन इतना बनता है, कोई चीज खाता हूँ उसकी उसकी एसिडिटी बन जाती है जी, खट्टा खट्टा पानी निकल खट्टा खट्टा पानी निकलता है, कब्ज बहुत ज्यादा है जी। ठीक है, कब्ज बहुत ज्यादा है, एक सिर में चक्कर रहता है जी, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी बीपी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है जी। जी एक सिर एक शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है जी, और काम कुछ जो कुछ भी खाता हूँ उसका वो सलेसा सा बन गए बाहर निकल जाता है, उल्टी कमर जी, कब्ज तो बहुत ज्यादा है, सलेसा बहुत ज्यादा निकलता है। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 52 साल है जी, और मैंने जो टेस्ट है वो सारे करवा रखे हैं जी, और आपकी आपसे जो दवाई मंगवाई थी, एक तो ये जैतून का सिरका, ठीक है, ए, वो लहसुन का रस और उसका नींबू का और अदरक का रस वो बताया था। ठीक है, भगवान आपको फायदा दे, और काफी बिगड़ गया है केस, थोड़ा सा सबर करें, गर्म पानी पिया करें 5 बार, और देखिए ये तो लेते ही रहें जो आप ले रहे हैं नुस्खा, जो चक्कर आते हैं इसके लिए आप ये एक्सरसाइज, ये 3 मिनट और एक ये ऐसे पूरी तरह मोड़े इसे, ये भी 3 मिनट करना शुरू करें, और 10 दिन में इसका रिजल्ट देखें कि आपको कितना फायदा है चक्करों में खास तौर पर। देखिए मर्ज तो आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा घबराहट हो गई आपको, और भगवान से मदद भी मांगा करें, सौंफ खाया करें हर खाने के बाद 2 चम्मच, और ये आता है मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल का, ये 1 पीस रोज़ाना सुबह को खा लिया करें खाली पेट, और थोड़ा थोड़ा फ़ायदे की उम्मीद रखें, थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं होगा, जो इलाज करना चाहते हैं करिए, लेकिन ये साथ में लीजिए, सब छोड़कर मत लीजिए, और कम से कम 1-2 महीना इलाज ज़रूर करें, इतना फ़ायदा लगने लगे कि आपको इत्मीनान आने लगे, देखिए 1 महीना तो लगता है इतना फ़ायदा होने में कि इत्मीनान आने लगे हाँ कुछ बेहतर है, तो फिर हमें इलाज करना आसान हो जाता, जब तक 1% में फ़ायदा नहीं नज़र आता हम बड़े शक में मुबतला रहते हैं, तो 1 महीना तो निकलने दीजिए, और खूब मदद भी मांगिए भगवान से, और माता जी या घर में जो बुज़ुर्ग हों उनसे दुआ कराइए, उनकी दुआ बहुत कीमती है, और अपना ख्याल रखें, आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। हकीम साहब इनका ये भी कहना है क्या ये आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ आंवला अगर आपको ठंडा नहीं पड़ता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं जी।
अगले कॉलर हैं भोपाल से, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम मीरा किशन। नीरज। मीरा किशन जी, आपका सवाल क्या है? मुझे बीपी है, बीपी बढ़ता है मेरा। बीपी बढ़ता है आपका, आपकी उम्र क्या है? हाँ, मेरी 76 जी। मीरा किशन, ठीक है ठीक है, बीपी बढ़ता है मेरा, बीपी ठीक है। देखिए बीपी अब हर शख्स को तकरीबन होने लगा, जो भी 40 साल पार करता है वो कभी भी बीपी की चपेट में, शुगर की चपेट में, कोलेस्ट्रॉल की चपेट में, दिल के रोग की चपेट में, डायबिटीज़ की चपेट में आता ही है, आज नहीं तो कल। ये तय हो गया कि अब सारे रोग सबको होते हैं। वो लोग बच सकते हैं जो पहले से सुरक्षा कर ले, बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, और ऐसे छोटे मोटे मर्ज जो हो ही नहीं सकते अगर हम जैतून का सिरका इस्तेमाल करें। जो निरोगी हैं वो दिन में एक बार कभी भी इस्तेमाल कर लें, 3 चम्मच पानी में मिला के जैतून का सिरका, असली वाला लेके, नकली मत लेना, नकली भी बहुत मिल रहा है। और जो रोगी हैं वो 2 बार इस्तेमाल करें, आपको बहुत कंट्रोल, बहुत फ़ायदा मुमकिन है।